नमस्कार, मैं हूँ संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जो महावैक्सीन अभियान 2.0 की बात करते हैं। संपूर्ण प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर जिले के प्रभारी मंत्री, तमाम लोगों के द्वारा लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं। दमोह जिले की बात की जाए तो पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। यहाँ पर अधिकांश केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम है। दमोह में जहाँ एक ओर समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, अधिकारी मौके पर हैं, लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति सामने ना आए। दमोह कलेक्टर के द्वारा भी लोगों से अपील की गई थी। महावैक्सीन अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी ताकि कोरोना जैसे खतरे से बचा जा सके। लेकिन पथरिया के सासा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने महावैक्सीन अभियान की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ पर गिट्टी के ढेर पर लोगों को बैठाया गया है, वहीं वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सासाग्राम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गिट्टी के ढेर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला बैठा हुआ है जो लोगों को वैक्सीन लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक गिट्टी का ढेर है जिस पर स्वास्थ्य अमला बैठा हुआ है और लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जो लोगों को कई बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर किस तरह के हाल होंगे। सासा की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर गिट्टी के ढेर पर बैठकर लोगों का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लोगों की भीड़ जमा है, लोग एक के बाद एक यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी बारी से वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन गिट्टी के ढेर पर वैक्सीन क्यों हो रहा है, इसका जवाब यहाँ पर मौजूद स्वास्थ्य अमले के पास नहीं है। यहाँ पर कई अन्य शासकीय भवन हैं जहाँ भी वैक्सीनेशन का काम हो सकता है। जिस भवन के सामने ये वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी शासकीय भवन है, इसके अंदर भी वैक्सीनेशन का काम हो सकता था, लेकिन स्वास्थ्य अमले ने जिस तरह की लापरवाही की है उसे क्या कहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं की बात भी कह रहे हैं, खुद भी बार बार व्यवस्थाओं को देखने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंचते हैं। दमोह कलेक्टर भी कई दौरे कर चुके हैं लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार का नाम नहीं है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं उन्हें भी सुन लेते हैं। पथरिया के साथ साथ एक वीडियो मैंने आपको दिखाया है, गिट्टी में बैठ के टीकाकरण हो रहा था अभियान। ये देखिए, ये अभी चीज मेरे संज्ञान में आई है। पूरा प्रशासन, पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरे सभी लोग बहुत मेहनत करके अभियान को सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं, पर कुछ कर्मचारियों के कारण ये छवि धूमिल होती है। तो इस वीडियो पे हम कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी आदेश नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर सेंटर का चयन करना है जो कि या तो ग्राम पंचायत हो सकती है, उप स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, या कहीं पे दूरस्थ इलाके में दोनों बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ आंगनवाड़ी भी हो सकती है या कोई भी कम्युनिटी हॉल हो सकता है। तो मतलब कोई ना कोई आप बिल्डिंग में बैठ के टीकाकरण करना है, गिट्टी में बैठ के तो टीकाकरण करना बहुत ही अनुचित है, बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही बुरा है होना ऐसा। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए।